Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So, आज हम discuss करेंगे about the subject of advanced costing MCOM semester 3 के बारे में और इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि आपको overall कौन से ऐसे chapters है जिसके ऊपर focus करना है, कौन से topics है जिसमें students को difficulty होती है, क्या पढ़ना है costing में, सब कुछ discuss करने वाले हैं तो last तक बने रहे, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको होने वाला है बिकॉज अगर हम एमकॉम सेमेस्टर 3 की बात करें तो सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट, सबसे कैलकुलेटिव सब्जेक्ट और सबसे स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो कॉस्टिंग का स्टूडेंट्स को लगता है बिकॉज इसमें एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो वो तो आपको सबको पता है, हमने लास्ट प्रीवियस दो वीडियोस में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया. सिमिलर पार्ट 60 मार्क्स में से 45 मार्क्स के आपको क्या सॉल्व करने हैं, 45 मार्क्स के आपको सम सॉल्व करने हैं एंड जो 15 मार्क्स है दैट विल बी रिलेटेड विद योर ऑब्जेक्टिव. तो पेपर पैटर्न में कोई भी गड़बड़ नहीं, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है. अगर हम चैप्टर की बात करें पहले ना क्या करते हैं, चैप्टर को डिस्कस करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग. ठीक है, फर्स्ट टॉप चैप्टर जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक्स कितने हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग इन मच डिटेल अबाउट. जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एलोकेशन. ठीक है, कॉस्ट एलोकेशन वो आपको ध्यान रखना है जो हमारा टॉपिक नंबर सेकंड रहेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बिकॉज इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. थर्ड चैप्टर जो है हमारा दैट इज कॉल्ड एज एबीसी. एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर फोर्थ जो है आपका दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. और चैप्टर नंबर फिफ्थ जो है आपका दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करके रखे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कॉस्टिंग का वीडियो बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे अबाउट की कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है, कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है. नाउ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई टू नोट इट बिकॉज यूजुअली आपको उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने मिल सकते हैं. थोड़ा सा नंबर इधर उधर होता है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आपको ध्यान रखना है, बस ये दो तीन चीजें अगर आप फोकस करोगे तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज द टॉपिक विच यू ऑल हैव लर्नड इन योर टीवाई बीकॉम. तो टीवाई बीकॉम में प्रोसेस कॉस्टिंग में आप क्या करते थे, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री या प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, ऐसे तीन प्रोसेस आप प्रिपेयर करते थे, राइट. लेकिन अभी एमकॉम में आपको हमेशा याद रखना है ये प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोसेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोसेस, इक्विवेलेंट प्रोसेस में थ्री स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है चैनल पे, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. बाकी चैप्टर वाइज डिटेल हम लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे, फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि किस पार्ट पे क्वेश्चंस आएंगे. अगर हम इक्विवेलेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें दो टाइप के मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक है आपका फीफो मेथड और दूसरा है आपका वेटेड एवरेज. ठीक है, दो टाइप के हैं, एक है आपका फीफो एंड सेकंड मेथड इज वेटेड एवरेज. तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन वाइज, वैसे मेथड वाइज तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज में भी कैलकुलेट द एवरेज प्राइस. इक्विवेलेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपको बनाने हैं और ये तीन स्टेटमेंट जो होंगे उसमें से जो पहला स्टेटमेंट होगा वो बेस होगा. अगर पहला स्टेटमेंट में गलती कर लिया तो वही स्टेटमेंट, वही जो गलतियां है वो सेकंड में जाएगी, सेकंड की गलती थर्ड में जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा. तो ये आपको सबसे पहले फोकस करना है. ट्राई टू फोकस मोर ऑन फीफो मेथड बिकॉज यूजुअली आपको पेपर में फीफो के क्वेश्चंस मिलेंगे. इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वेटेड एवरेज छोड़ के जाइए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेटिंग तो वही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है. नेक्स्ट जो चैप्टर है कॉस्ट एलोकेशन, ये भी टॉपिक आपका टीवाई में ऑलरेडी था. इसमें आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो ओवरहेड्स वाला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ये आपको प्रिपेयर करना है. एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें मेथड्स भी है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह,
तो वो भी आप एक बार देख के जाइए, बिकॉज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कभी कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, लेकिन वो आप ऑप्शन में डाल के एबीसी वगैरह चैप्टर जो इसका कंपैरेटिवली अगर इधर साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह मेथड का पूछा गया तो अल्टरनेटिवली आप एबीसी पे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो दैट दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इफ सम ऑफ द क्वेश्चंस आर लिटिल बिट डिफिकल्ट और ट्रिकी, देन वी कैन ट्राई टू अटेम्प्ट द सेकेंड वन. तो कॉस्ट एलोकेशन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स आपको हमेशा याद रखना है. डिपार्टमेंट्स दिए रहेंगे अकॉर्डिंगली, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है. और ज्यादा करके रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन याद रखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में पूछा जाता है, और कभी कभी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आएगा. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन आया तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन परफेक्ट करना पड़ेगा, वरना वो गलती होने के चांसेस ज्यादा है. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. अभी आप कहेंगे कौन से चैप्टर के ऑप्शन में कौन सा चैप्टर आएगा. देखो ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी ने भी नहीं दिया है कि कौन से चैप्टर के ऑप्शन में कौन सा चैप्टर, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग आ सकता है, कॉस्ट एलोकेशन के ऑप्शन में एबीसी आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ऑप्शन में फिर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक तो सारे कवर होने वाले पेपर में, लेकिन आपको ये देखना है कि हमें ऐसे कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है. मैंने जैसा सीक्वेंस लिखा है यहाँ पे, प्रोसेस कॉस्टिंग आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद कॉस्ट एलोकेशन पढ़ना है, उसके बाद मतलब बुक में भी यही लाइन में आई थिंक सीक्वेंस में है चैप्टर्स. एबीसी, एबीसी इज वॉट, एबीसी इज नथिंग बट इट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है, काफी सिंपल चैप्टर है, लेकिन अगर पढ़ा नहीं है तो डिफिकल्ट है. काफी सिंपल टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसमें मेजर क्या है पता है, मेजर इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है, और कॉस्ट पुल्स, ये दो जो चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है. कॉस्ट ड्राइवर्स और कॉस्ट पुल, आपको कुछ कॉस्ट पुल दिया रहेगा, प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसके बेसिस पे क्या करना है आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करने हैं. बोलेंगे वो लोग क्वेश्चन में कैलकुलेट करो, एलोकेट करो ओवरहेड्स को, ऐसा सब बोला जाएगा. हम जाएंगे इसके भी वीडियोस में, आपको ट्राई करूंगा प्रोवाइड करने के, दैट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आरओआई वगैरह आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है उसमें. इनकम टैक्स दिया रहता है बिफोर टैक्स, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिया रहेगा, फिर जो उसके बेसिस पे कंपनीज रहेंगे, डिविजन्स रहेंगे, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट. इट्स वेरी वेरी इजी. तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ ऐसा बोला जाएगा, थोड़ा पैराग्राफ वगैरह दिया जाएगा, पैराग्राफ के देने के बाद वो लोग बोलेंगे कि आरओआई कैलकुलेट करो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, एंड उसके बेसिस पे आपको थोड़ा कैलकुलेट करके कभी कभी सजेशंस भी देने होते हैं कि तीन में से कौन सा बेस्ट रहेगा. तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मोटा मोटा कंसेप्ट है, ज्यादा उसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मेजर फोकस ये रखना कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो है वो पूछा जाता है. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में एक चीज पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइस. ठीक है, ट्रांसफर प्राइस के बारे में नॉर्मली पूछते हैं, ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली उस बेस पे सेम, मतलब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आपको दो 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 या तीन डिविजन्स दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा. मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे होता है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिर लेबर, सेल्स, यूनिट्स में अगर ऐसा सब इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे भी आपको कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं आपको कहूँ कि कॉस्टिंग में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो वेरी वेरी सिंपल है. सबसे पहले आप इक्विवेलेंट प्रोसेस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, यहाँ से आपको 15 मार्क्स जो है वो इजीली मिल सकते हैं. अगर कॉस्ट एलोकेशन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में रिपीटेड आया तो बहुत अच्छा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आया तो थोड़ा ट्रिकी है. एबीसी काफी इजी है, इसमें भी आपको जितनी चीजें सही है उसके पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे. रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी तो इजी चैप्टर है, ये थोड़ा ट्रांसफर प्राइसिंग जो चैप्टर है मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग का. तो ये दिस आर द मेजर टॉपिक्स विच यू हैव टू फोकस. ऐसे अब आपको चैप्टर वाइज भी थोड़े वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके रिलेटेड भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेजर फोकस कैलकुलेशंस में करने हैं आपको वाइल अटेम्प्टिंग दिस टॉपिक. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एक ओवरऑल आपको व्यू आ गया रहेगा कि
कॉस्टिंग में हमको किस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, उस टॉपिक में एग्जैक्टली है क्या, इन डिटेल जाएंगे अबाउट द टॉपिक्स एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को, जो लोग एम कॉम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 का पेपर देने वाले हैं, उनको पता चले एग्जैक्टली कि किस तरीके से फोकस करना है, कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अभी जो चैप्टर वाइज वीडियोज आएंगे आगे, वो आपको टाइमली बेस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. टेक केयर.